मुंबई पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक हवलदार अशोक आठवले का पुलिस विभाग कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर सावनेर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मारुति मुर्ग, वरिष्ठ पत्रकार किशोर ढुंडुले, समाज सेवी अमित जोड़ापे तथा सावनेर पुलिस स्टेशन के समस्त अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में हवलदार अशोक आठवले को थानेदार मारुति मुर्ग ने कार्यक्रम के दौरान अपनी कुर्सी पर बैठा कर सम्मानित कर उनके जीवन की अनूठी भेंट के साथ उनका सपत्नी शाल श्रीफाल व भेंट वस्तु देकर उन्हें व उनके परिवार को आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज सेवी अमित जोड़ापे, पत्रकार किशोर ढुंडले, सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश पाटिल, हवलदार बोरकर, केसरी, दिनेश काकड़े आदि ने हवलदार अशोक आठवले के कार्यकाल, कार्यप्रणाली तथा उनके साथ बिताए पलों की यादें साझा की तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, कर्तव्यनिष्ठ, मनमिलाव स्वभाव की व्यक्तित्व आज सेवानिवृत्त होने से एक कर्तव्य दक्ष कर्मी की कमी तो जरूर खलेगी, लेकिन हर कर्मचारी तथा अधिकारियों को एक ना एक दिन सेवानिवृत्त होना ही होता है। पर सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति ने अपने सेवा काल में कैसी सेवाएं दी, यह जरूर महत्व रखता है। ऐसे ही हमारे हवलदार अशोक आठवले हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस तथा नागपुर ग्रामीण पुलिस में अपने स्वभाव तथा कर्तृत्व से एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे विचार थानेदार मारुति मुर्ग ने इस अवसर पर व्यक्त किए। तो वही अपने सेवानिवृत्त विदाई अवसर पर हवलदार अशोक आठवले ने अपने सभी अधिकारी सहकर्मियों से सेवा काल में मिले सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर कहा कि वैसे तो पुलिस विभाग में काम करना वैसे ही जोखिमों से भरा होता है और उसमें भी अगर आप ट्रैफिक विभाग से काम करते हैं तो अधिक तनाव रहता है। ऐसे में खुद की छवि बनाए रखने तथा सभी के साथ अच्छे व्यवहार से ही हम अपने कार्य को अंजाम दे सकने की बात इस अवसर पर कही। सावनेर पुलिस स्टेशन में संपन्न इस सेवानिवृत्ति विदाई अवसर पर सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद मांडरे ने आयोजन का संचालन किया तो आभार ट्रैफिक पुलिस आशीष कारेमोरी ने माना। इस अवसर पर सहायक थानेदार सागर कारंडी, ASI यादव गुप्ता, सुनील व्यवहारी काकड़े, प्रशांत केसर बोरकर, कुमेरिया सुनील तलमले, अनिल देशमुख, महेंद्र वरुड़कर, सिपाही नीलेश ताड़े, नितेश परखड़, धोड़ीबा नागरगोसे, अशोक निस्ताने, गणेश उइके, रवि वानखेड़े, महिला सिपाही मनीषा बंडीवार, सुप्रिया पाटिल, रंजना नागमोती, भारतीय सरजूसे, कल्पना लावनकर, दुर्गा राउत आदि के साथ ही पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारी, अधिकारी, होमगार्ड सैनिक प्रमुखता से उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।